मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। गुरुवार को पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। दिल्ली आए सैलानियों का कहना है कि गर्मी की वजह से उन्हें सैर सपाटे में परेशानी हो रही है। Really hot, but weather is dry than Taiwan. Taiwan is too rain, and this weather dry. Yeah. So, are you finding any difficulty? What are the precautions that you're taking? Taking the hat or long sleeve and long dress. To color your skin. बहुत ही गर्मी बहुत हैवी है, 44 डिग्री है और वी आर फीलिंग वेरी हॉटनेस। तो बच्चों भी बहुत हैरान हो रहे हैं, हम भी बहुत हैरान हो रहे हैं। काफ़ी सारी जगह हम जा भी नहीं सकते ड्यू टू हॉटनेस इन्वायरमेंट है। तो वो बहुत गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। बाहर का मौसम बहुत ही गर्म है, पता नहीं कितना यहाँ पे टेम्परेचर है, मे बी इट इज़ 40+। और हम पुणे से आ गए हैं। पुणे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा सा शाम को कूल हो जाता है, लेकिन यहाँ पता नहीं ड्राई वेदर है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ आते ही पहले हमने काम किया कि सबने हैट ये कैप खरीदी कर ली है, तो ताकि थोड़ा सा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और दिन भर हमको पानी की बॉटल खरीदी करनी पड़ती है क्योंकि गला पूरा सूख जाता है हमारा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में डॉक्टरों ने पार्टियों के कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और आम लोगों को तेज धूप से बचने की सलाह दी है। सो दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी शुड टेक केयर, इंक्लूडिंग आवर पॉलिटिशियन, पीपल हु आर कैंपेनिंग, पीपल हु हैव टू वोट, पीपल हु आर इन्वॉल्व फॉर इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, हु हैव टू बी आउटडोर्स। So they should take plenty of fluids, they should cover themselves well with loose cotton clothes. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले हफ्ते में बारिश नहीं होगी। पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों का मौसम एकदम साफ हो गया है, शुष्क हो गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और अब दिल्ली एनसीआर में 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। कुछ इलाकों में 44 डिग्री का आंकड़ा भी पार हो चुका है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगले एक हफ्ते के दौरान कोई ज़्यादा बारिश की गतिविधियां तो दिखाई नहीं दे रही हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ों पर 17 तारीख के आसपास, लेकिन उसका असर मैदानी भागों में विशेषकर दिल्ली एनसीआर में दिखाई नहीं देने वाला है। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को राजधानी में अलग अलग जगहों पर लू चलने के साथ पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।